मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर अमेरिका से बड़ी खबर आई है। हिंडनबर्ग मामले में कानून का सामना कर रहे अडानी को यूएसए की एक कोर्ट ने अरबों डॉलर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने के आरोप में दोषी ठहराया है, जिसके बाद अडानी समूह के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर अमेरिका में न्यूयॉर्क की अदालत में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगा है। गौतम अडानी के साथ ही 7 लोगों पर $2 अरब के सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अधिकारियों को $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत देने का आरोप है। अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने बुधवार को इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों समेत एक अन्य फर्म एनजीओ पावर ग्लोबल लिमिटेड के कर्मचारी सिरिल कोबिनेस के खिलाफ आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ ही 7 अन्य लोगों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अडानी ग्रुप को 20 सालों में करीब $2 अरब से ज्यादा का मुनाफा होने की उम्मीद थी। अधिकारियों को ये रिश्वत 2020 से 2024 के बीच दिए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और एक अन्य एग्जीक्यूटिव वनीत जैन ने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 अरब से ज्यादा के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए लेनदारों और निवेशकों से रिश्वतखोरी को छुपाया। ये सभी आरोप विदेश भ्रष्टाचार प्रथा अधिनियम के तहत आते हैं, जो विदेशी व्यापारिक लेनदेन में रिश्वतखोरी के खिलाफ अमेरिकी कानून है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में आरोपों से घिरी गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर पर नजर डालें तो भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बीच इस कंपनी का शेयर भी लगातार टूट रहा है। बीते एक महीने में इसकी कीमत में 17.76% की कमी आई है और बीते कारोबारी दिन मंगलवार को ये 3% से ज्यादा टूट कर ₹1407 पर क्लोज हुआ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक भारतीय अरबपति 62 वर्षीय गौतम अडानी $85.5 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में फिलहाल 18वें पायदान पर हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद बीते 24 घंटों में उन्हें $295 मिलियन का घाटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।